आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। मिला गए नहीं जिनको जिया तज से चुपके चुपके मेरी नजर से मिला गए मैं। दोस्तों, आज जिस मशहूर अदाकारा की मैं बात कर रही हूँ, जब वो फिल्मों में आई तो उनका सिर्फ एक मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना और अपने परिवार को खुश रखना। और वो हैं बहुत ही हसीन, खूबसूरत और चुलबुली शशिकला। चांद घटने लगा, रात ढलने लगी, आरज़ू मेरे दिल की मचलने लगी, ठंडी ठंडी हवा अब तो चलने लगी, आरज़ू मेरे दिल की मचलने लगी। शशिकला पहले हीरोइन थी और उसके बाद वो वैम्प बन गई। वो कहती हैं कि वैम्प को हमेशा हीरोइन से ज़्यादा हसीन, खूबसूरत और यंग लगना चाहिए, तभी तो हीरो उस वैम्प की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना? शीशे से पी या पैमाने से पी या मेरी आंखों के मेहाने से पी, पर पी दीवाने खुशी से जी दीवाने, पर पी दीवाने खुशी से जी दीवाने। 1932 में पैदा हुई थी शशिकला शोलापुर में, जो महाराष्ट्र में है, एक हिंदू महाराष्ट्रियन परिवार में। उनके पिता बहुत अमीर थे, बहुत रईस थे, बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत दौलत थी, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। इसलिए शशिकला का बचपन बहुत ही शानदार ऐशो आराम में गुजरा। हाय हाय, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। शशिकला बचपन से ही बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी। वो स्टेज पे शोज करती थी, नाचती थी, गाती थी और एक्टिंग भी करती थी। अचानक हालात ने करवट बदली और देखते ही देखते शशिकला के पिता राजा से रंग बन गए। उनके भाइयों ने उनको धोखा दे दिया था, उनका सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए ये सोच के वो मुंबई आ गए कि शायद मुंबई में मेरी बेटी शशिकला को फिल्मों में काम मिल जाए। लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। मुंबई आने के बाद उनकी तकलीफें, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ गईं। ना खाने पीने को कुछ था और ना ही रहने का ठिकाना। इसलिए मजबूरन शशिकला को दूसरे लोगों के घरों में नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने बर्तन मांजे, कपड़े धोए, झाड़ू कटका किया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। शशिकला कहती हैं कि मैं मशहूर सिंगर और हीरोइन नूरजहां की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने शौहर से कह के, अपने पति से कहकर उनकी एक फिल्म में मुझे काम दिलवा दिया, एक छोटा सा रोल 1945 में, और उस फिल्म का नाम था जीनत। जीनत के बाद मेरी किस्मत का सितारा चमक गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे फिल्मों में काम मिलने लगा। हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से चले जा तारिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से चले जा तारिया, ऐ जो बड़ी सी सुबेना किया, उड़ती ना सुबह से तारिया। शशिकला ने लव मैरिज की थी। उनके पति का नाम था ओम प्रकाश सहगल और वो मशहूर सिंगर KL सहगल के रिश्तेदार थे। उनकी दो बेटियां भी हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत जल्दी आपस में झगड़े शुरू हो गए, इतने झगड़े कि बर्दाश्त के काबिल नहीं थे, अनबेरेबल। इसलिए शशिकला ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिया, दोनों बेटियों को भी छोड़ दिया और किसी और के साथ वो अब्रॉड चली गई। शशिकला
मुझे बहुत ज़्यादा चाहती हैं और आज तक मुझे बेबी कहती हैं। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि तबस्सुम, तूने ज़रूर सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो उसकी मत मरी जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं जिस आदमी के साथ अब्रॉड गई थी उसने मुझे धोखा दे दिया और बहुत टॉर्चर किया, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के, यहाँ टूटते हैं दिल को अरमां मचल मचल के, ये रास्ते हैं प्यार के। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के शशिकला वापस इंडिया आ गई। ना उनके दिल को सुकून था और ना ही मन को शांति, इसलिए वो कलकत्ता चली गई और 9 साल तक मदर थ्रीजा के साथ रहीं और लोगों की सेवा करती रहीं। सेवा करते करते उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनके मन को शांति मिली, इसलिए वो लौट कर वापस मुंबई आ गई और फिल्मों में काम करने लगी दोबारा। क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल, कहीं मचल न जाऊं, कहीं फिसल न जाऊं, मचल न जाऊं, फिसल न जाऊं, क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। शशिकला माशाल्लाह 85 की हो गई हैं और बहुत खुश हैं। वो अपनी छोटी बेटी, दामाद और उनके बच्चों के साथ रहती हैं, लेकिन उन्हें एक बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उनकी बेटी, बड़ी बेटी, अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे कैंसर हो गया था। लेकिन उसके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और वो अपनी नानी यानी शशिकला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी बातें भी बताती रहूँगी, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।